हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बच्चा पुष्पा जी के बारे में इतना सब कुछ जानता कैसे है। बच्चा ही तो है, कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। और अगर ये काम किसी बड़े का है, किसी अडल्ट का है, तो फिर उसका इस सब के पीछे मकसद कुछ और है। लेकिन क्या? देखिए मैडम सर, हमने तो बच्चे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए बोल दिया था कि जो बातें वो कह रहा है वो मोहल्ले में सभी लोग, सब रिश्तेदार सब जानते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ हम और पुष्पा जी ही जानते हैं। इसलिए हाँ, हम भी हैरान है कि वो इतनी सारी बातें कैसे जानता है। और पुष्पा जी के साथ ये सब करने का उसके पीछे मकसद क्या है? क्या हासिल हो जाएगा उसे? पुष्पा जी पुलिस वाली है, कोई बेवकूफ ही होगा जो पुलिस के साथ डायरेक्टली इस तरह से उलझेगा। अब हमें परमिशन दीजिए मैडम सर, हम अभी जाते हैं और पता लगाते हैं इस बारे में। नहीं नहीं, रहने दीजिए, हम अपने तरीके से पता लगाते हैं। क्योंकि देखिए, ये मामला एक बच्चे का है, सेंसिटिव है, तो हमें थोड़ा नरमी से पेश आना होगा। हम देखते हैं क्या हो सकता है जी। लेकिन तब तक हम पुष्पा जी को कह देते हैं कि वो जो है थोड़ा दूर रहे उस बच्चे से। क्या हो ना हो, ये बच्चा जो है ना पुष्पा जी की भावनाओं के साथ खेलने के पूरे मूड में है। नहीं प्लीज, अलग मत करिए बच्चे को। अभी आप ही ने कहा ना थोड़ी देर पहले कि पुष्पा जी उस बच्चे के साथ बहुत खुश है, तो फिर क्यों खामखा उनकी खुशी को छीना जाए? एक काम कीजिए, जब तक हम सच्चाई का पता नहीं लगा लेते, आप उस बच्चे पर नजर रखिए, पर अलग मत कीजिए। जी मैडम सर। सदा सुहागन रहो। अरे आइए ना, अपने ससुर के पैर छुई। क्या कर? वो पल्लू वल्लू नहीं है? नहीं नहीं है, पल्लू है। ये लो पल्लू, ससुर जी के पैर छुओ। सदा सुहागन रहो। अब ये क्या नया ड्रामा है? क्या चल रहा है ये सब? जय हिंद सर। जय हिंद। आप कौन? पति है, पति। किसके? हमारे। पर वो तो निकल लिए थे ना? नहीं नहीं, उनका स्वर्गवास हुआ था, मगर पुनर्वास हुआ है फिर से इनके शरीर में। ये तो बच्चा है। इस जन्म में, पिछले जन्म में वो हमारे पति थे। हाँ, प्यारे सिंह, हेड कांस्टेबल का प्रिंसिपल, माने लल्ला के पप्पा। एक सेकंड पुष्पा जी, मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि ये जो छोटा सा बच्चा यहाँ खड़ा है, ये आपके पति का पुनर्जन्म है? सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझाती हूँ। तो जैसे ही बच्चे को एहसास हुआ, वो फौरन थाने आ गया अपनी पिछले जन्म की बीवी से मिलने के लिए, जो कि है अपनी फू पुष्पा जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट दीवान जी, हमें ये तो पता था कि यहाँ सबके दिमाग थोड़े थोड़े हिले हुए हैं, लेकिन इस हद तक हिले हुए हैं ये हमें अभी पता चल रहा है। रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, अरे कहाँ होता है ये सब? दिस इज शियर नॉनसेंस। एक्सक्यूज मी, जस्ट बिकॉज आपको कोई बात नॉनसेंस लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सबके लिए भी वो नॉनसेंस हो। सबके अपने अपने विश्वास है, इन्हें है विश्वास कि ये है इनके पति, तो क्या प्रॉब्लम है? एक सेकंड हसीना मलिक, मतलब आपको भी लगता है कि पुष्पा जी बोल रही हैं वो सच है? हाँ, हम भी मानते हैं कि यही है पुष्पा जी के पति। तो ठीक है, आप लोग कंटिन्यू करिए अपना ये सर्कस इस चुन्नू मुन्नू के साथ, हमारे पास और भी बहुत काम है। चलिए दीवान जी, इनका तो चलता ही रहता है। कहाँ है वो गधे की औलाद? आप? जी मैं मेरी ही औलाद है ये। अच्छा, तो आप ही है वो गधे। बोल लीजिए, आप भी बोल लीजिए। मैं ही वो गधा हूँ जिसने इस कपूत को जन्म दिया है। जब से ये पैदा हुआ है तब से एक ही बात की रट लगाए हुए है, मैं मोंटू नहीं हूँ। एक मिनट, मोंटू कौन है? यही है, इसी का नाम तो मोंटू है। पापा, आप पूछते थे ना कि मैं मोंटू नहीं हूँ तो क्या हूँ? मैं हेड कॉन्स्टेबल कम प्रिंसिपल प्यार सिंह भी हूँ। इनसे मिलिए। नमस्ते माता जी। बहू है आपकी? क्या? ये तुम्हारे इस जन्म की ससुर है, आशीर्वाद लो। अरे दूर दूर दूर, क्या बकवास है ये? अरे मेरी सास की हमउम्र महिला को तुमने मेरी बहू बना दिया, कैसा खुराफाती बच्चा है! कभी टीचर को पिछले जन्म का फूफा बोलता है ये। फूफा जी मिले थे आपसे? हाँ, हमारे क्लास में ही तो पढ़ाते। कभी अंडे वाले को चाचा बोलता है। वो अभी भी अंडे बेचते हैं? हाँ।
अपने दोस्तों के पापाओं से पतियाता फिरता है दिन भर। अरे ये कैसी आफत है, क्या करूं मैं तेरा, हैं? अब घर जाओ। हमारा इंतजार करना, हम वापस जरूर आएंगे। हम आपका इंतजार करेंगे लल्ला के पापा। सर ये फाइल आपने मांगी थी। थैंक यू श्रीवास्तव जी। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद मैडम। जय हिंद। गुड नाइट मिस मलिक। जी जितना मैं आपको आज तक जान पाया हूं मिस मलिक, मुझे नहीं लगता कि आप इतनी नासमझ होंगी कि जो भी ड्रामा आज हुआ उससे इत्तेफाक रखती होंगी। एंड आई एम श्योर कि आप इन पुनर्जन्म जैसी बकवास बातों पे बिलीव भी करती होंगी, बट फिर भी जो ड्रामा चल रहा था आप उसे सपोर्ट कर रही थी, जान सकता हूँ क्यों? नहीं देखिए क्या है, आपको समझ में तो नहीं आएगा, फिर भी बताने की कोशिश करते हैं। तजुर्बा कहता है हमारे कि बातें फर्जी हो सकती है लेकिन एहसास नहीं, क्योंकि एहसास जज्बात से जुड़ा होता है और जज्बात में लॉजिक नहीं देखा जाता। पुष्पा जी सालों से एक इंसान से दूर रही हैं, वो इंसान जिनसे वो बहुत प्यार करती थी, शिद्दत से रिश्ता निभाया, और अब जब उस इंसान के होने का फर्ज ही सही एहसास अगर उन्हें थोड़ी सी खुशी दे रहा है, तो उस खुशी को छीन कर इतना लॉजिकल होकर हम कौन सा बहुत महान काम कर लेंगे? मिस मलिक आप जानती हैं ना कि ये दुनिया वाले एक अच्छे और ईमानदार जज्बाती इंसान को सिर्फ बेवकूफ ही समझते हैं। हाँ जानते हैं, लेकिन हमारी नजर में जिस इंसान में ये तीनों बातें ना, वो इंसान ही नहीं। चलते हैं। और एक चीज, आपने कहा था ना कि हम महिला पुलिस थाने वाले सारे थोड़े से हिले हुए हैं। बिल्कुल सही कहा था। और मजे की बात पता है क्या है, इस बात पर हमें अफसोस नहीं, फक्र है। गुड नाइट। गुड नाइट। पू लल्ला के पापा। अरे जाइए जाइए, ससुर जी आए। पैर पीड़ी पल्लू नहीं है, है। आशीर्वाद लीजिए। पैर छुइए। आशीर्वाद दीजिए। सदा स्वागत रहो। हे बाप रे माँ, ये अभी तक चल रहा है? ये पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता है माँ। होता है हा? होता है, होता है, बिल्कुल होता है, होता है, पुनर्जन्म होता है। पुष्पा जी के पति ही हैं, ऐसा होता है। देखो पुष्पा जी कितनी खुश है। हा, हा, हा। दीवान जी आप मुझसे पूछते हैं ना कि मैं टीवी क्यों नहीं देखता, क्या लगता है आपको इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट आपको टीवी पे देखने को मिलेगा? अभी हमारी फैमिली पूरी होगी। वैसे तुम करते क्या? बिल्लू जी चोर है। अच्छा तो तुम ही हो। छोड़ दीजिए उसे। अब वो ये सब नहीं करता, वो बदल गया है। अब वो पुलिस के लिए काम करता है, खबरी बन के, समझ लीजिए अंडरवेयर पुलिस है। कवर से याद आया, बहू यहाँ। देखिए यहाँ पे कोई बहू या ससुर नहीं है, ये थाना है, यहाँ पे हम आपके सीनियर है, इसलिए हम आपके नहीं, आप हमारे ऑर्डर फॉलो करेंगे। हाँ ये भी ठीक है, सॉरी मैडम। कहिए क्या कहना चाहते हैं। किसी को गोपालगंज मार्केट में भेजिए, वहाँ एक अफजल नाम के टेलर की दुकान है, उसकी जाँच करवाइए। कहाँ पकड़ो लिए, मतलब ये बच्चा कुछ भी बोलेगा हम किसी भी शरीफ आदमी पे जाके चढ़ दौड़े, इतना बुद्धि आउट नहीं हुआ अभी हमारा। तुम्हारे तो सच में भाग फूट गए पू। का? अरे विश्वास कीजिए मैडम, हम सच कह रहे हैं। उस टेलर में गड़बड़ जाके चेक तो कीजिए एक बार। हाँ मैडम सर, अगर ये इतना कह रहे हैं तो एक बार जाके देखने में क्या हर्ज है? नहीं पुष्पा जी ऐसे कैसे जाके देख ले, हमारे पास वारंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। अगर जाके दुकानदार पर हाथ डाला और वो निर्दोष निकला तो उल्टा केस हम पर बनेगा। निर्दोष नहीं है वो दुकानदार, बहुत बुरा ना पापी है, घिसा हुआ घाघ मुजरिम है वो। अफजल अंसारी उसका असली नाम भी नहीं है, पहचान बदल कर ड्रग्स का इलीगल धंधा चला रहा है, और असली नाम मोहम्मद खान है। 20 साल पहले भी ड्रग्स बेचते हुए हमने ही उसे पकड़ा था, सुधरा नहीं है। आज भी उसका ड्रग्स का काला धंधा जारी है। जाइए पकड़िए, बहुत बड़ी मछली है, पूरे विभाग में जय जयकार हो जाएगी आपकी।
Excuse me, ma. Sorry to say, mini papa, लेकिन आपकी जो ये information ये total wrong है. क्योंकि अगर ऐसा होता, तो मुझे यानी बिलू द स्पाई को सबसे पहले पता होता. तो ये जो काले धंधे हैं शहर के, सब मुझे पता है. और ये जो टेलर है ना, उसके बारे में मैंने कुछ गड़बड़ सुना नहीं है. Total wrong. बाप भी बोलता है और बाप की इन्फॉर्मेशन पर डाउट भी करता है. कांस्टेबल प्यारे सिंह, छोड़ी से. करिश्मा सिंह, एक बार जाकर कंफर्म कर लेने में कोई बुराई नहीं है. आप प्लीज चेक कर लीजिए. लेकिन मैडम सर. प्लीज. जी मैडम सर. रुकिए करिश्मा सिंह, दिस इज टू मच हसीना मलिक. आप इस मामले को अपनी नजर से देखती हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है. लेकिन इस थाने का एसएचओ होने के नाते मैं ये नौटंकी और नहीं देख सकता. आपको इस मामले में टाइम वेस्ट करना है, आप शौक से कीजिए. लेकिन मैं अपने थाने के स्टाफ को इस मामले में टाइम वेस्ट नहीं करने दूंगा. माफ कीजिएगा अमर सर, पर अगर मैडम सर ने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना. मतलब हमें तो कोई बुराई नहीं लग रहा, एक बार जांच कर लेंगे. ये एक तुक्का मारा है, कहीं पे भी लग सकता है सर. तो हमें ऐसा लगता है, हमारे विचार में हमें एक बार जाके जांच कर लेना चाहिए. नहीं, आपकी जगह पे ये किसी और को भेज सकती हैं, हमें कोई एतराज नहीं. लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारी टीम में. आपको इन फिजूल की चीजों पर टाइम वेस्ट करने के लिए हम अपनी परमिशन नहीं दे सकते करिश्मा सिंह. ठीक है, कोई बात नहीं. संतोष शर्मा, ये काम अब आप करेंगे. जी मैडम सर. मैं भी आपके साथ चलता हूँ, शादी के जोड़े का नाप देता हूँ. कभी भी जरूरत पड़ सकती है, बी अलर्ट. इसमें आपका कोई दोष नहीं है सर, मैडम सर के तरीके थोड़े अलग हैं. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैडम सर के जज्बात ठीक नहीं है, तो शर्त लगा लेते हैं. अगर इस बार मैडम सर के तरीके ठीक नहीं हुए तो अगले एक हफ्ते तक मैंने सल्यूट करूंगा. लेकिन अगर आपकी मैडम का तजुर्बा गलत निकला, तो ये मुझे अगले हफ्ते तक सल्यूट करेंगी. जी भैया, आप कपड़े सिलते हैं? नहीं, जूते सिलते हैं. ओहो, मूंछों के साथ बातों में भी व्यंग. वाह. मेरा मतलब है कि कपड़े सिलते हैं ना आप, तो कपड़े सिलवाने. अरे हम जेंट्स हैं. हाँ हाँ, पता है आप जेंट्स हैं, ये मूंछे पे ताव लगाए हुए हो. अरे हमारा मतलब है, हम जेंट्स टेलर हैं, हम सिर्फ मर्दों के कपड़े सिलते हैं. हाँ, तो मैंने कब कहा कि मुझे अपने लिए कपड़े सिलवाने हैं, इनके लिए सिलवाने. ये तो मर्द है ना. आओ ले लो नाप, ले लो. आ जाओ, ले लो नाप, ले लो. संतोष जी आइए, आप बैठिए अंदर. क्वालिटी चेक कर रही हूँ, क्वालिटी. ये स्टमक कम हो गया मेरा. हो गया, हो गया, हो गया. इतनी जल्दी कैसे हो गया? अरे भाई, कफन नहीं सिलाना है, ड्रेस सिलानी है. बुलाना हो गया. पूरा नाप. नहीं नहीं, एक मिनट, हमने अभी तक बताया नहीं आपको किस तरह का कपड़ा सिलवाना है हमें, तो कैसे हो गया? बाद में मुझे कहीं जाना है. मोहम्मद भाई, अपना असली नाम सुन के आप तो भौंकला गए. मोहम्मद भाई. अरे रुक, मोहम्मद. अरे मैंने क्या किया? अभी पता चल जाएगा आपने क्या किया. मेरा कसूर क्या? चेक करो. तलाशी लेने दो. अरे मिनट, एक मिनट, यहाँ कुछ है. एक मिनट भाई. क्या है ये? नमक. चलो. मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया. क्या टेलर के पास ड्रग्स बरामद हुए? हाँ ठीक है, ओके. हमें पता था मैडम सर कि आप ही सही निकलेगी, पूरा भरोसा था हमें इस बात पर. अब देखिएगा अमर सर आपको कैसे सल्यूट मारेंगे, मजा आ जाएगा. आप खुश नहीं हैं इस बात से? नहीं करिश्मा सिंह, क्योंकि फिलहाल ये छोटी मोटी जीत हमारे लिए मायने नहीं रखती है. मायने रखता है ये केस, जो बच्चे की बात सही निकलने से अब उलझता ही जा रहा है. सच में इस टेलर के पास ड्रग्स बरामद हुए हैं, और ये इन्फॉर्मेशन इस बच्चे के पास आई कैसे? कहीं ये रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म वगैरह सब कहीं सच तो नहीं? पर फिर कैसे हो सकता है ये सब? बच्चे को कैसे बताया? या फिर ये पूरा जाल किसी और का ही बिछाया हुआ है? ये
इस इंसान ने इस बच्चे को सिर्फ एक मोहरा बनाया हुआ है अपनी चाल चलने के लिए, लेकिन कौन और क्यों? दीवान जी। सर कहाँ हैं आप? बस थाने की तरफ ही आ रहा हूँ। सर मत आइए, गुल हो जाइए, मिस्टर इंडिया हो जाइए, पूरा दिन पुलिस स्टेशन में दिखाई मत दीजिएगा सर। बस सुबह क्या बोल रहे हो दीवान जी? अरे सर वो बच्चे की टिप बिल्कुल सही निकली है, टेलर टेलर नहीं ड्रग डीलर है, ड्रग्स बरामद हुए उससे और अब वो पकड़ा भी गया है। सर आप शर्त हार चुके हैं क्या? सर इसलिए तो कह रहा हूँ हवा हो जाइए, अगर सामने पड़ गए तो शर्त के हिसाब से हसीना मैडम को आपको सल्यूट करना पड़ेगा। सर इज्जत जाएगी भी तो किन के सामने? औरतों के सामने। सर आपको मेरी कसम है आप मत आइएगा, मैं फोन रख रहा हूँ। जय हिंद। जय हिंद दीवान जी। दीवान जी बात हुआ? नहीं किसे मैडम? अमर सर से, उन्हीं से ना बात कर रहे थे अभी, आप आने वाले थे ना, वो अभी तक आए नहीं, कब तक आ रहे हैं वो? हाँ हुई बात, वो सर डीएसपी सर के साथ में मीटिंग में है ना, तो मीटिंग थोड़ी लंबी चल गई और कह रहे थे कि और लंबी चलेगी। डीएसपी सर को आप जानती हैं, बात एकदम डिटेल में समझा समझा के करते हैं तो टाइम लग जाता है। कुछ काम था आपको? हाँ काम था। तो हमें बताइए ना, हम मैसेज दे देंगे सर को। क्या बात कर रहे हैं, ना काम उनसे है तो उन्हीं को ना बताएंगे, आपको काहे बीच में डाले इसमें, है ना? वो आएंगे तो उनको हम बता देंगे, आप अपना काम कीजिए, ये फाइल हम आपको देना है। वेल जी थैंक यू। सही कहते थे बाबूजी, औरतों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, अब अमर सर भी किनके आगे फंस गए। ये सब मुझे गुरु कहते हैं, मैं गुरु हूँ लेकिन आप गुरु घंटाल हो, मैं स्पाई हूँ लेकिन आप हेड ऑफ द स्पाई हो, मैं खबर हूँ लेकिन आप महा खबर हो। मिनी पापा क्या मिले? अरे सुबह सुबह चढ़ा रखी है क्या? ए चुप बैठो, तुम नहीं समझोगे मिनी पापा क्या सटीक खबर दी है। आओ इस बहाने मैं आपको बर्गर खिलाता हूँ। आओ ए बिलोटे, दिमाग खराब है तेरा? छोटे से पिद्दू से बच्चे को पापा पापा क्या किया जा रहा है? पुष्पा जी देखिए, पति है वो हमारे। मैडम सर हाँ हाँ बोलो। बरामद ड्रग्स जो है वो लॉकर में रख दिए, आप बताइए क्या करना है? वैसे बच्चे ने जो टिप दी थी वो तो एकदम सही निकली है, लेकिन आपको सच में लगता है ये लल्ला के पापा का पुनर्जन्म हुआ है? पर सवाल ये है मैडम सर कि इतने छोटे से बच्चे के पास इतना बड़ा बड़ा इन्फॉर्मेशन आता कहाँ से है? यही बात तो हमें समझ में नहीं आ रही है करिश्मा सिंह की, ड्रग पेडलिंग जैसी सीरियस इन्फॉर्मेशन इस बच्चे के पास कैसे आई? मोंटू के पिताजी का नाम क्या है? सोम सिंह। सोम सिंह, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली? पूरा कुंडली निकाली है मैडम सर उसका, वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो तो खुद अपने बेटे के इस तमाशे से परेशान है। तो फिर क्या कैसे? पुष्पा जी के हस्बैंड या फिर आपके हस्बैंड किसी को भी डायरी लिखने की आदत थी या है? नहीं 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 मैडम सर, हमारे पति देव को तो ऐसा कोई डायरी लिखने का आदत नहीं है, और जितना हम लल्ला के पापा को जानते हैं उनको भी ऐसा कुछ मतलब शौक नहीं था डायरी लिखने का। तो फिर इस बच्चे की इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है? ये क्यों ये री इनकारनेशन और पुनर्जन्म का ड्रामा कर रहा है? कौन है इस सबके पीछे? बच्चा ही तो है मैडम सर, सब घूर के देखेंगे ना उसको, पूरा पुनर्जन्म का पुराण गातेगा हमारे सामने, बता रहे हैं, जाए उसको समझाएं। नहीं नहीं प्लीज आप रहने दीजिए, बच्चा है इसलिए हमें और ज्यादा नरमी और पेशेंस से पेश आना होगा। और वैसे भी बच्चों को डरा कर उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते, दोस्ती करके ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम कर लेंगे अपने तरीके से, आप प्लीज अपना दिमाग शांत रखिए। ओके जी मैडम सर। क्या लगता है मैडम सर आपको, करिश्मा मैडम अपना दिमाग शांत रख पाएंगी? हाँ रख पाएंगे, और हम सुन पा रहे हैं, बिल्कुल रख पाएंगे। क्या आप कोई पगलेट सांड है क्या हम, जो किसी के भी सामने जाके अपना सिंग मार देंगे? हम शांत हो पाएंगे, हम शांत हो जाएंगे। पागल चुप रे, माँ चला गाड़ी चला।
हटिए, क्या चल रहा है यहाँ पे, ये उतरिए। कृष्ण और चलेगी भी तब जब स्टार्ट होगी, और स्टार्ट तब होगी जब चाबी मिलेगी। लाइए चाबी दीजिए। काहे, अरे काहे का काहे, जैसे पिछले जन्म में लल्ला के पप्पा हमें ऐसे ही बाइक पे घुमा के आराधना के राजेश खन्ना का जो गाना था ना, वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ये गाना सुनाते थे ना, और हम ऐसे ही पीछे बैठ के उस गाने का लुत्फ उठाते थे। आज वैसे ही हमें घूमने जाना है। ये घुमाएंगे आपको, ये बाइक का पेट्रोल का टंकी जितना इनका साइज है ये आपको घुमाएंगे, गियर लगाने के बाद ब्रेक तक जाने में इनको ऑटो करना पड़ जाएगा, और ये आपको घुमाएंगे। आंखें यहाँ बंद होगी ना तो सीधा परलोक में जाके खुलेगी, इस बात के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। ये चलाएंगे बाइक। हमने कहा चाबी दीजिए। नहीं देंगे हम चाबी, और इतना ही शौक है इनको घूमने का तो हम घुमा कर लाते हैं इनको। फिर मजाक से शुरू हुआ खेल काफी खतरनाक हो रहा है, कहीं पुष्पा जी के जज्बात की कीमत मासूमों को ड्रग्स की लत में पड़कर ना चुकानी पड़ जाए। देखो ये ले जाना चाहती है हमको घुमाने। अम्मा उतरो, बाइक से उतरो हमारे, चलो उतरो, उतरो दोनों की दोनों, उतरो दोनों की दोनों, उतरिए। हमने कहा हमारी बाइक से उतरिए, उतरिए, उतरो। मिली पापा आई। ये देखो इस लज्जाहीन लड़की को, कब से ससुर के सामने ऐसे ही खड़ी है। घूंघट देती हूँ। लीजिए मैडम, ससुर जी आपके सामने। अरे तुम्हारी चाबी तो तुम्हारी भी। अरे चाबी तो हमें क्या हो रहे, शांत शांत, बिल्ले मारेंगे। क्या चल रहा है ये चाबी? हमने हमने बिल्ले हमारी चाबी ना दो दो। भाई मैया की सासू मैं तुम्हारी। अरे क्या क्या कर रही हैं आप? अपने ससुर पर हाथ उठा रही हैं? ससुर ससुर, ये डेढ़ फुट का ये झूठा ससुर, हाँ फर्जी ससुर। झूठा बोला मुझे? झूठा बोला? हाँ बोला, झूठा, फरेबी, फांदेबाज, मक्कार, चीटर, सब बोला तुमको। अम्मा ये गोलगप्पा खा खा के इनका दिमाग गोलगप्पा हो गया है, दही पापड़ी खा खा के इनकी बुद्धि का दही हो गया है ना, इनके अंदर ना खून नहीं दौड़ता है, सौंठ का पानी दौड़ता है। इनको बेवकूफ बना सकते हो तुम, हमको नहीं बना सकते हो, सुन रहे हो? निकलो यहाँ से तुम। शांत 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 हो जाइए। अब हम कभी वापस नहीं आएंगे पू, हम जा रहे। लल्ला के पापा, मेरे पापा, लल्ला के पापा। करिश्मा सिंह ये क्या किया आपने? हमने आपसे कहा था कि आपको अपना दिमाग शांत रखना है, तो फिर क्यों गुस्सा हो गई आप? अगर वो लड़का हाथ से निकल गया ना तो ये सारा मामला, इसकी सच्चाई तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। आप समझ रही हैं इस बात को? हाँ, हम नहीं, आप जाइए और मनाइए उसे, क्या करेंगे हमें नहीं पता, मना कर लाइए उसे। हाँ हमसे थोड़ा ज्यादा हो गया, हम जाते हैं और उस बच्चे को मना कर लाते हैं। जाइए जल्दी जाइए। हाँ लेकिन मैडम सर कैसे जाए, वो शैतान की औलाद ने हमारी चाबी पता नहीं कहाँ फेंक दी, हमें दिखी नहीं रही है। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम बिलो द स्पाई, चाबी इज हियर, फेंकी ही नहीं मैंने। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जाइए जाइए जाइए। संतोष शर्मा फोन पे बाद में बात कर लेना चीता से, हम नहीं, मैं चीते से नहीं बात कर रही हूँ, मैं अमर सर को कॉल लगा रही हूँ। क्यों? पूछने के लिए कि वो थाना कब तक आ रहे हैं। क्यों? मैडम सर शर्त आ रहे हैं ना, वो सल्यूट करेंगे आपको, तो पूरे थाने को देखना है। मुझे तो लग रहा है शायद इसीलिए वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे। बहुत मजा आ रहा है ना आपको? बहुत ज्यादा, आपको बता भी नहीं सकते। केस पर ध्यान दे, क्योंकि केस अभी तक सॉल्व हुआ नहीं, इसलिए आप काम पर ध्यान देंगी तो बेहतर होगा। हमने जो काम कहा था वो करिए, जाइए। जी मैडम सर। कोल गप्पे बनाए साहब? नहीं आज मन नहीं है, भाग ही फूट गए। लल्ला के ना तुम्हारे, जो ऐसी बहू मिली है तुमको, और ये सब कुछ तुम्हारे वजह से। अरे हमने क्या किया है? तो और किसने किया, किसने ढूंढी ऐसी नक्चड़ी बहू? हमने नहीं ढूंढी है, अब कैसे बताएं आपको, लल्ला ने खुद ढूंढी है। लो नागमणि खाए बैठी है, 100 साल जिएगी, नागिन का नाम लिया, नागिन हाजिर। सपेरा भी है साथ में। पहने रो, पहने रो, पहने रो। हमारे सामने ऐसे ही ठीक हो, और अब क्या लेने आई हो यहाँ, इतना जलील करने के बाद भी पेट नहीं भरा? नहीं हमको समझ में आया हमारा गलती है, हमें बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा गिलानी हो रहा है, हम माफी मांगना चाहते हैं, बच्चे ही हैं, गलती तो हो ही जाती है ना सबसे,
तो हमें एहसास हुआ तो हम दौड़े दौड़े यहाँ पे चले आए ससुर जी से माफी मांगने। अब माफ कर दीजिए हमें, हमें हमसे गलती हो गया, ससुर जी माफ कर दीजिए। उठक बैठक करो, उठक बैठक। माफी देंगे वरना नहीं देंगे। हाँ सही तो है, अरे इतने बड़े आदमी का अपमान किया है आपने। ये मतलब शरीर से कितने भी छोटे हो मगर रिश्ते में तो आपसे बड़े ही है ना, तो ठीक से माफी मांगिए तभी माफी मिलेगी। उठक बैठक लगा के माफी मांगेंगे तो शायद मान जाए। पैर पकड़िए, माफी मांगिए। हमें माफ कर दीजिए ससुर जी, हमसे गलती हो गया है। जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। माफ कर दीजिए। मिनी पापा माफ कर दीजिए नहीं तो गिर जाओगे। हाँ जाने दीजिए ना, माफ कर दीजिए। हाँ। आज के लिए इतना प्रतिशोध ठीक है, आगे और भी तो हिसाब चुकाना है ना। हाँ तो आज के लिए इतना ठीक है, माफ कर दीजिए, जाइए। लेकिन एक शर्त पर। हाँ बताइए, आदेश कीजिए। एक बार इश्क करके बताओ। क्या बिना बाप रे। प्यारे खुश हुआ, जाओ माफ किया। थैंक यू मिनी पापा। धन्यवाद। मैडम सर, जैसा कि आपने कहा था पुष्पा जी के लेट हस्बैंड मिस्टर प्यारे सिंह की डिटेल पूरी है इस फाइल में। कौन से ईयर में उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, उनके दोस्त दुश्मन सीनियर जूनियर ए टू जेड डिटेल्स इस फाइल में। लेकिन फिर भी एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि ये प्यारे सिंह खुद को कांस्टेबल कम प्रिंसिपल क्यों कहते हैं। ये बात तो मुझे भी अजीब लगी मैडम सर, इसलिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सबसे पहले मैंने यही पता लगाया तो मुझे ये पता चला कि वो हमेशा से पुलिस में ही आना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक मजबूरियों के कारण वो एक छोटी सी स्कूल में चपरासी थे, फिर उसी स्कूल में वो प्रिंसिपल बन गए और फिर सही मौका जैसे मिला उन्होंने फोर्स ज्वाइन कर ली। ओह ओके। मैडम सर एक और बात पूछनी थी, आपको ऐसा लगता है कि ये फाइल किसी के हाथ लगी होगी और इन डिटेल्स के बेसिस पे किसी ने ये पूरा पुनर्जन्म का ड्रामा क्रिएट किया हो? हाँ हो सकता है, ये थ्योरी भी सही है, लेकिन हमें फिर भी ऐसा लगता है कि ये थ्योरी इसलिए वर्क नहीं करेगी क्योंकि वो बच्चा वो ऐसी ऐसी बातें जानता है जो किसी भी रिकॉर्ड में होना नामुमकिन है। बहुत ही पर्सनल निजी बातें जो पुष्पा जी के अलावा कोई करीबी दोस्त रिश्तेदार या कोई भी करीबी इंसान ही जान सकता है। जैसे कि पुष्पा जी और करिश्मा मैडम। करें। हाँ जैसे कि आप और पुष्पा जी। जैसे कि आप और मैं। हाँ जैसे कि मैं हाँ, और हम और चीता। नहीं नहीं मैं कह रही थी जैसे कि मैं और चीता, क्योंकि आपसे ज्यादा तो चीते को मैं जानती हूँ ना। आप और चीता। हाँ गुड। तो मैं ये कह रही थी मैडम सर कि आपने ये फाइल क्यों मंगवाई, इसके बेसिस पे हम कैसे पहुंचेंगे वो मुजरिम तक? दिखाते हैं। बताते हैं। दिखाते हैं, आइए देखिए। हाँ। अब लग रही हो बहू। घूंघट घूंघट का 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 का। अरे घूंघट तो ओढ़ो, अच्छा लगेगा उन्हें। आने दो आपके लल्ला को, फिर हम उनको बताएंगे आपके उनके बारे में। अरे लल्ला तो पगला जाएगा अपने पापा के पुनर्जन्म की खुशखबरी सुनकर, देखना पूरे शहर में घी के लड्डू बांटेगा वो। घूंघट तो ओढ़ो। और कुछ पुष्पा जी, ये क्या कर रही है? क्या ये बिंदी कैसी लगाई, दिखाई नहीं दे रही है? हाँ लगाएंगे तो दिखेगी ना पुष्पा जी। ओहो साड़ी के ऊपर बिंदी, देखो ऐसी ना बड़ी बिंदी लगाओ, अच्छा लगता है पुराने लोगों को। ये क्या है पुष्पा जी? अरे वो स्टैंप मारने की आदत है ना। घूंघट ओढ़ घूंघट ओढ़। और कुछ बचा तो वो भी बता दीजिए, यहाँ यहाँ तक चूड़ियाँ चढ़ा लेते हैं, 5,000 पायल पहन लेते हैं, जमीन के अंदर कट जाते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बहू है या पत्ता गोभी, इतना ढक ढका के हमको लेके जा रही हैं। अरे पुराने लोगों को यही सब पसंद आता है, घूंघट ओढ़। हाँ ओढ़ लिया। और हाँ खाली हाथ मत आना। तो क्या बंदूक लाए? बंदूक बंदूक हमेशा बस दिमाग में बंदूक ही रहती है। चाय बिस्कुट लेकर आना उनके लिए। चाय बिस्कुट? वो नहीं अभी नहीं, जल्दी आना, हम जाकर उनकी सेवा करते हैं तब तक। लल्ला के पापा। मैडम सर। हेलो करिश्मा सिंह। मैडम सर स्पीकर प्लीज। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह, आप तैयार हैं? ड्यूटी के लिए तो कुछ भी करेंगे, आप बस बताइए क्या करना है हमें। ओके ब्लूटूथ ऑन रखिए और जैसा हम कहते हैं वैसा करते जाइए। जी मैडम सर।
रहने दो पू, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जीवन भर आप ही ने तो दबाया हमारे पैर, अब तो सेवा का मौका प्रदान कीजिए। चाय। देखो ये है ना आदर्श बहू, साक्षात लक्ष्मी का रूप। वो तो है। ओके, वेरी गुड। करिश्मा सिंह, अब ध्यान से सुनिए। अब किसी तरीके से आप प्यारे सिंह जी से उनके पुराने करीबी खास निजी दोस्तों के बारे में पूछिए। देखिए बच्चा क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सासू मैया, थोड़ा सौभाग्य हमें भी प्राप्त करने दीजिए ना, मतलब थोड़ा हम भी पुण्य कमा लेते हैं। अब अकेले सेवा कर रहे हैं हमारे ससुर जी की। एक काम करते हैं ना, आप उनके हाथ दबाइए, हम पैर दबाते हैं। हाँ हाँ, शौक से आ जा। इतनी भी बुरी नहीं है बहू, पूरे भाग भी नहीं फूटे अपने लल्ला के। ससुर जी, वैसे आपके भादुरी के चर्चे हमने बहुत सुने हैं। विभाग में सब आपकी बहुत बातें करते हैं ना, मतलब जिनके साथ आप काम करते थे उनमें से कोई तो ऐसा आपका साथी रहा होगा जिससे आप अपनी सारी निजी व्यक्तिगत बातें करते हो, है ना? कोई एक होता ना साथी अपना, एक पक्का वाला दोस्त, कोई था? थी? महिला थी तो थी होगी ना। अरे वही थी हमारी सबसे करीबी, जिससे हम सब कुछ बांटा करते थे। लल्ला के पापा, आपने कभी बताया नहीं ऐसी किसी महिला साथी के बारे में। अरे भाई कैसे बताते, तुम ही तो थी वो महिला साथी, हमारी सबसे करीबी, नजदीकी दोस्त, तुम ही से बांटा है जीवन भर का अपना हर सुख दुख। नहीं नहीं, वो हम पूछ रहे थे कि कोई पुरुष मित्र नहीं था, मतलब जैसे आप अपनी सारी निजी बातें सासू मैया से करते थे, ऐसे किसी पुरुष मित्र हो जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करते हो, वो ऐसा कोई है? भाई थे तो बहुत, पर कोई ऐसा नहीं था जिसे पू की तरह हर निजी बात कर पाता। क्यों पू? अरे इतना तो हम भी जानते हैं इनके बारे में, ऐसा कोई इनका यार दोस्त नहीं था जो इनकी हर निजी बात जानता हो। जो थे हम ही थे। उसनों के बहुत पक्के थे शुरू से, घर से ड्यूटी और ड्यूटी से सीधा घर। हमें नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो इनके निजी जीवन के बारे में ज्यादा कुछ जानता हो। क्यों जी? हाँ पू, पू नहीं, पुष्पा जी। अब हमें पू कहने वाला कोई आ गया है, अब सिर्फ उनका ही अधिकार है। अच्छा सुनो, ये है लॉकर की चाबी, मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। हेडक्वार्टर से रिकवरी टीम आएगी, बरामद हुआ ड्रग्स जो है वो ले लेंगी। पूरा पेपर वर्क अच्छे से कंप्लीट करना, उसके बाद ही उन्हें ड्रग्स देना। ओके, ये लो। ओके। ना 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 ना। लल्ला के पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो आपको स्कूल में होना चाहिए था। स्कूल में दिल नहीं लगा पू। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मगर ये तो बहुत गलत बात है ना, आपको स्कूल में होना चाहिए इस वक्त। मतलब तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है? पसंद है, बहुत पसंद है। बैठो, बैठिए। हाँ हाँ, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप हमारे लल्ला के पप्पा हैं, मगर पिछले जन्म के, इस जन्म में आप कोई और हैं। मोंटू शर्मा, जो बहुत ही क्यूट सा, प्यारा सा, बहुत अच्छा बच्चा है, जिसकी अपनी एक जिंदगी है, अपनी एक दुनिया है, और अब बस वही सच है। अच्छा नहीं लगता आप अपनी इस जिंदगी में, जो अभी तक ठीक से शुरू भी नहीं हुई है, हमारी जैसी बुढ़ी तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमारी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में, हमारी जैसी उम्र दराज औरत के साथ अपना समय बिताए, बल्कि हम चाहते हैं कि आप अपना समय अपनी उम्र के बच्चों के साथ बिताएं,
उनके साथ बहुत खेले, मस्ती करे, पढ़े लिखे, इसीलिए अब यहाँ आना बंद कीजिए और अपनी इस जन्म की जो जिंदगी है ना उसे बहुत अच्छे से जी लीजिए। भूल जाइए सब कि पिछले जन्म में आप किसी के लल्ला के पप्पा, कांस्टेबल कम प्रिंसिपल प्यारे सिंह थे। समझ रहे आप हमारी बात को? Maybe you are right, Poo. मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। पर क्या आज? बस सिर्फ एक दिन, ये पूरा एक दिन मैं आपके साथ बिता सकता हूँ? मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद से कभी नहीं आऊंगा, सिर्फ आज का एक दिन। ठीक है, मगर बस सिर्फ आज का एक दिन। हाँ, हम जरा वॉशरूम होकर आते हैं, फिर साथ में चलते हैं, ठीक है? अभी आए। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, चलो चलो। हाँ चलिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। क्या बात है मैडम सर, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है थाने में। पुष्पा जी सर? पुष्पा जी तो आपके ससुर जी के साथ बाहर गई हैं। पर संतू भी दिखाई नहीं दे रही है। संतू? संतोष शर्मा कहाँ गई? हमने तो कहीं नहीं भेजा। अच्छा, पता नहीं, वो हमें तो चाबी चाहिए था ना, हमें लॉकर में रखना है फाइल। अच्छा, लॉकर की चाबी पुष्पा जी के ड्रॉअर में ले लीजिए। अच्छा, धन्यवाद मैडम सर। अच्छा, आपका वो हो जाए ना कि एक बार ये फाइल चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी। हाँ तो चाबी नहीं है। वहीं कहीं होगी, ढूंढिए ठीक से। नहीं नहीं, हमने अच्छे से देख लिया, नहीं है। अरे लेकिन लॉकर की चाबी ड्रॉअर में से। इसमें तो बरामद ड्रग्स रखा था, कहाँ गया यहाँ से? सब गायब हो गया। ये जो सारा पुनर्जन्म वाला नाटक है ना, इसकी सच्चाई अब हम समझ गए। ये सब मंटू ने किया है। कहा? आपके कहने का मतलब है कि ये सारा पुनर्जन्म का जो ड्रामा हुआ है, ये नाटक हुआ है, ये ड्रग्स चुराने के लिए? सिर्फ चुराने के लिए नहीं करिश्मा सिंह, स्मगल करने के लिए। क्या बात कर रही है मैडम सर, मतलब हम पुलिस वालों को ही निशाना बना दिया है। पहले ये बच्चे को भेजा, पुनर्जन्म का नाटक किया और हमें ये ड्रग्स का इन्फॉर्मेशन दिया, और जब हम ड्रग्स यहाँ पे बरामद किया, अच्छे से लेकर आए, तो यहाँ से चुरा लिया गया बड़े चलाकी से। एग्जैक्टली, जो हमें लग रहा था कि हम पुलिस होकर माल जब्त कर रहे हैं, वो दरअसल हम किसी और के प्लान को सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे थे। वैसे लल्ला के पापा हम जा कहाँ रहे? दूसरा जन्म मिला है, पुरानी यादें फिर से जी लेना चाहते पू, इसलिए एक बार फिर हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ हम दोनों पहली बार मिले थे। हमारी सहेली सुलक्षणा के घर, जहाँ पहली बार उसे देखने के लिए आए थे और हमें भाग गए थे। मगर उसका घर तो बॉर्डर के पार है। हाँ तो क्या हुआ, तुम हमारे लिए इतना कष्ट नहीं उठा सकती। ये क्या कह रहे हैं आप लल्ला के पापा, आपके साथ तो हम दुनिया की आखिरी छोर तक चल सकते हैं। ससुर जी, पाले को ससुर जी। हेलो, तुम निकल गए ना? जी। वेरी गुड, सामान तुम्हारे पास ही है ना? जी। बेटा, एक बार लखनऊ बॉर्डर क्रॉस हो जाए, उसके बाद अपना काम खत्म। अरे चिंता मत कीजिए पिताजी, सब अच्छे से हो जाएगा। वो है ना हमारे साथ, पुलिस है तो इनके रहते हमारा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। ठीक है, रखते हैं, और काम हो जाएगा तो फिर कॉल करते हैं। चलिए, प्रणाम।
हमें भी। लीजिए आपकी बहू रानी। बताइए, एक से जान छुड़ाई तो दूसरा डिस्टर्ब कर रहा है, अब ये बहू क्यों फोन कर रही है तुम्हें? बंद करो, ये हमारा समय है और हम नहीं चाहते कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। स्विच ऑफ, एक अभी फोन लग रहा था, अभी स्विच ऑफ। क्या करिश्मा सिंह, हेडक्वार्टर से रिकवरी टीम निकल चुकी है, एक घंटे में यहाँ पहुंच जाएगी ड्रग्स बरामद करने। अगर एक घंटे के अंदर अंदर हमें ड्रग्स नहीं मिले तो ये थाना तो बंद हो ही जाएगा, साथ साथ में पुष्पा जी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। नहीं 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 मैडम सर, जब तक हम जिंदा हैं पुष्पा जी पे कोई मुसीबत नहीं आ सकता है, और कोई भी मुसीबत उनके आगे आड़े आएगा तो उससे पहले हम उसके लिए बड़ा मुसीबत बन जाएंगे। एग्जैक्टली करिश्मा सिंह, जब तक हम साथ में हैं बड़ी से बड़ी मुसीबत से निपट सकते हैं। पुष्पा जी को भी बचा लेंगे और ड्रग्स भी ढूंढ लेंगे, और उस इंसान को भी ढूंढेंगे जिसने हमारी माँ की भावनाओं के साथ ऐसा खेला है, उनकी सादगी का, उनके भोलेपन का ऐसा फायदा उठाया। उसको तो हम ऐसा तोड़ेंगे ना मैडम सर कि भगवान भी उसको जोड़ नहीं पाएगा, और इतना तोड़ेंगे कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसे आना दिखा। लेट्स डू दिस। ये बैग यहाँ क्यों रखा है? आराम से बैठिए ना, लाइए हम। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छे से रखा है ये। पक्का? हाँ। क्या बच्चा ड्रग चुरा कर भाग गया? मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं चुराया। संतु, पुष्पा जी का लोकेशन ट्रेस हुआ क्या? आउट ऑफ कवरेज है। नहीं नहीं, कुछ करो संतू, ये मोंटू पक्का उसी इंसान के पास जा रहा है जिस इंसान ने उसे ये घटिया काम कराया है, ये ड्रग्स उसी इंसान के पास लेके जा रहा है। एक मोंटू ही है जो हमें उस टोपा इंसान तक पहुंचा सकता है, कुछ करो जल्दी। पता नहीं कौन है ये घटिया आदमी, इतने मासूम बच्चे से पता नहीं क्या क्या काम करवा रहा है, और शर्म भी नहीं आ रही। करिश्मा सिंह, अपने अपने हस्बैंड से बात की? जी मैडम सर, लल्ला का कहना है कि पुष्पा जी के लल्ला। संतू जी, मैडम सर समझ गई। पुष्पा जी के लल्ला का कहना है कि उनके पिता श्री दिवंगत श्री प्यारे सिंह जी, वो काफी आत्मसंकोची टाइप के आदमी थे, मतलब अपने में रहने वाले इंसान थे, किसी से ज्यादा बात नहीं, मतलब रिश्तेदारों से भी थोड़ा दूरी बनाए रखते थे, कोई यार दोस्त भी बहुत ज्यादा नहीं थे। तो इस एंगल से देखा जाए तो उनका निजी बातें किसी और को पता होना ये असंभव है। और मैडम सर देखा जाए तो पुष्पा जी के लल्ला के पापा बिल्कुल हमारी तरह थे ना, मतलब हम उनकी तरह थे, क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं, मतलब आपसे हम इतने करीब हैं, आपसे हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है, लेकिन आज तक हमने आपको कभी हमारे लल्ला से क्या बातें होती है वो आपको कभी नहीं बताया, कभी अपनी निजी बात आपसे नहीं, कभी ये नहीं बताया कि लल्ला को क्या पसंद है क्या नहीं है। काली मसूर की दाल पसंद है, पुष्पा जी के हाथों से बनाए हुए दही बल्ले पसंद है, स्वीट में रसगुल्ले पसंद है, और मक्खी की भिन 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 आवाज से उनको एलर्जी है, और फेवरेट फ्रूट है लीची और फूल है कमल। एक सेकेंड मैडम, पुष्पा जी के लल्ला के बारे में बिल्लू जी को इतना सारा बताया आपने, और मैडम सर को बिल्कुल भी नहीं बताया, और अभी आप कह रही थी कि मैडम सर आपकी मित्र है। हमने तुमको कब बताया बे? कब? एक मिनट सर, सर्विस। इन्होंने नहीं बताया, मतलब ये जब नाइट ड्यूटी पे आती थी तो अपने लल्ला के साथ रात भर बातें करती रहती थी, तो वही बातें न चाहते हुए भी हमारे कानों में पड़ी, तो इस वजह से हमें पता है बस। और प्यारे जी पुष्पा जी से फोन पर घंटों बातें किया करते थे, तो इसका मतलब ऐसे किसी जेल में बंद मुलजिम ने पुष्पा जी की सारी बातें सुनी होगी और ऐसे उसको पुष्पा जी का निजी जीवन पता चल गया। एग्जैक्टली नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता मैडम सर, बल्कि हमको तो लगता है यही हुआ होगा। संतोष शर्मा, प्यारे सिंह की फाइल लेकर आइए जल्दी। जी मैडम सर। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ाई? हमें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना पहले था ना अब है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? पिछले जन्म में तो आप कह रहे थे इस जन्म में पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं पाए, अगर अगला जन्म मिला तो बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे। अब अचानक क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, अच्छा याद दिलाया, पढ़ेंगे पढ़ेंगे खूब पढ़ेंगे, टीचर और प्रिंसिपल बनेंगे। आपकी चाबी गिर गई, ये तो थाने के लॉकर की चाबी है। ये चाबी आपके पास कहां से आ गई? रिक्शा रोको। बेवकूफ बनाया जा रहा था हमें, लल्ला के पप्पा के नाम पर भावनाओं की धूल चौकी जा रही थी हमारी नजरों में। वो तो बात जरा लल्ला के पप्पा की थी, इसलिए भावनाओं में बह गए। और तुम भूल रहे हो बच्चों, अंदर से तो हम पुलिस ही हैं,
और इतनी देर तक ना हमें बेवकूफ कोई नहीं बना सकता। क्या है बैग में दिखाओ, हमें दिखाओ, बैग को हाथ मत लगाना। दिखाओ हमें क्या है बैग में, दिखाओ। पीछा कर, पीछा करो उसका, जल्दी भाग। मेरे मुंह बोले पापा ने मेरे पापा को भी पकड़ा था। हे मेरे पापा, पायलट मेरे पापा। जब से ये पैदा हुआ तब से एक ही बात की रट लगाए हुए हैं, मैं मोंटू नहीं हूं। ये देखिए, सब लोग ध्यान से इस फोटो को देखिए और याद कीजिए कि ये चेहरा आपने पहले कहाँ देखा है। एक सेकेंड, ये तो सोम सिंह जैसा लग रहा है। अच्छा नहीं, एक सेकेंड मैडम सर, ये आदमी का असली नाम मंगल सिंह है। ये सोम सिंह के आइडेंटिटी से ये सारा काम कर रहा था, ये पूरी प्लानिंग इसकी थी। और वो मोंटू को, मोंटू का ब्रेन वॉश किया, उसको इतना सब कुछ सिखाया पढ़ाया, इतना इतना घटिया आदमी, सारा इसी ने किया है। एक मिनट, एक मिनट, इन सारी बातों के लिए वक्त नहीं हमारे पास। करिश्मा सिंह, हम पुष्पा जी को ढूंढने जा रहे हैं, अब तुरंत सोम सिंह के घर पहुंचे और देखिए क्या पता लगता है। जी जी मैडम सर। ये लो, ये एक फाइल रखने के लिए कहा था करिश्मा मैडम को, ये काम भी उनसे नहीं हुआ। अब सारा काम करेंगे हम और नाम होगा औरतों का। औरतों पर ना कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। पर हर बार ऐसी गलती क्यों करते हो आप? जाइए अपना काम कीजिए। ये ड्रग्स कहाँ से लाके रखेंगे? जय हिंद दीवान जी। जय हिंद। ये देखिए, फाइल कहा था करिश्मा मैडम से लॉकर में रखने के लिए, अब हम जा रहे हैं, उन्होंने तो रखी नहीं। अरे एक मिनट दीवान जी, मैं हूँ ना, मैं रख दूंगी, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? अच्छा रख दीजिए आप। अब फिर से वही गलती कर रहे हैं। एक मिनट लाइए, वो फाइल हमें दीजिए, हम ही रखेंगे। लाइए हम रखते हैं, लाइए फाइल। मैं रखता हूँ, ये छोटा सा काम मैं कर देता हूँ। हाँ? मैं रखता हूँ। रुको, याददाश्त चली गई है क्या? पता है ना ये पुलिस स्टेशन है। ठीक है रख लीजिए, मैं तो बस आपके फायदे के लिए बोल रहा था। फायदा? या लॉकर की चाबी नहीं है। चाबी क्यों नहीं है? लॉकर की चाबी कहाँ गई? वो पू अपने साथ गलती से ले गई। या वो पू पुष्पा जी माँ, तो जब वो आएंगी तब आप रख देना लॉकर में। अभी आप यहाँ कहाँ रख सकते हैं फाइल? नहीं, ये फाइल अभी लॉकर में रखी जाएगी और लॉकर भी अभी ही खुलेगा। चाबी नहीं, कैसे रखेंगे? अरे तो तू किस मर्ज की दवा है, तू खोलेगा ना? मैं? हाँ, तुम तो यही करते आ रहे हो ना चोरी, तो आज भी लॉकर तुम ही खोलोगे। नहीं, मैं चोर था। हाँ, मैं अभी सुधर गया हूँ, मैं अभी चोरी वेरी नहीं करता। करते हो या अभी अमर सर को कॉल लगाओ। नहीं करता हूँ, चली चली, पुलिस की मदद करना तो हर एक नागरिक का फर्ज होता है। खुलता हूँ, चलो चलो। अगर दीवान जी को पता चल गया कि लॉकर में ड्रग्स नहीं है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ एक मिनट, यहाँ पे कोई सोम सिंह नाम का आदमी रहता है इस घर में? नहीं, वैसे तो यहाँ पर कोई रहता नहीं है और ये रूम तो बहुत दिन से बंद है। जय हिंद मैडम सर। हाँ करिश्मा सिंह बोली। मैडम सर यहाँ पे कोई सोम सिंह नाम का इंसान रहता ही नहीं है, और किसी से पता किया तो पता चला ये घर बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स, गलत एड्रेस ही दिया होगा ना। पुष्पा जी के बारे में कुछ पता चला? नहीं करिश्मा सिंह, हम अभी तक ढूंढ रहे। रिकवरी टीम थाने पहुंचती होगी ड्रग्स बरामद करने के लिए। उसके पहले किसी भी हालत में पुष्पा जी को ढूंढना ही होगा, हमें बच्चे के साथ। अगर ड्रग्स की टीम वहां पहुंच गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जी 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 मैडम सर। जय जय। अरे ये तो एकदम अजीब गरीब है लॉक। खुलता हूँ, लेकिन खुलता हूँ पिन। हाँ एक्चुअली एक बार लॉक खोल रहे हो या मेहंदी लगा रहे हो, एक काम नहीं होता तुमसे। हटो हटो पीछे, मैं खोलता हूँ। आपसे नहीं होगा। अब अरे ये पकड़ो, नहीं खुलेगा आपसे ये। अरे
ये तो पहले से खुला हुआ था, इसीलिए नहीं खुल रहा था। इसके अंदर ड्रग्स थे। किसे पूछ रहे हो? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, फिर से मस्करी कर रहा है तू? तुझे ठीक करता हूँ, चल लॉकअप में चलो, लॉकअप में चलो। शिवा सब्जी डंडा दीजिए। ड्रग्स यहाँ कैसे? क्या आता है? ओह वाओ ब्रिलियंट, ये क्या बातें चल रही है? और ये पैकेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वेट कराने गई थी। अरे तो खुद चली जाती ना, इसे साथ में लेके जाने की क्या जरूरत थी? इसका ही पैकेट का ही वेट कराने गई थी। हाँ, नारकोटिक्स टीम आ रही ना ड्रग्स की कस्टडी लेने के लिए। हाँ। तो चेक करी थी कि थोड़ा बहुत ऐसे चोरी वोरी तो नहीं हो गया, तो इकबाल की दुकान पे गई थी वेट कराने के लिए, बट थैंकफुली कुछ चोरी नहीं हुआ, एकदम सही है। तो अभी मैं जाके रख देती हूँ। रुको, मैं कैसे मान लूं कि इसके अंदर ड्रग्स है? आपको विश्वास नहीं है मुझ पे? मुझे औरतों पर विश्वास नहीं है। वेरी गुड सर, तो मुझ पे कर लो, मैं तो मर्द हूँ। मुझे चोरों पर भी विश्वास नहीं। और ये कैसे मतलब, औरतों पे विश्वास नहीं, मर्दों पे विश्वास नहीं, चोरों पे विश्वास नहीं, तो क्या भगवान को बुलाऊं? बकवास बंद करो, लाओ मैं चेक करता हूँ। लाओ। आप चेक कैसे करेंगे? टेस्ट करूंगा। हाँ? ड्रग्स तो खत्म हो जाएंगे। हा? फिर वो नार्को ड्रिंक्स वाले नार्कोटिक्स, हाँ वो हम पर केस कर देंगे। नहीं मैं चेक करके रहूंगा। नहीं चेक तो नहीं करने दूंगी आपको मैं। चेक तो करके रहूंगा। नहीं, नहीं, आज ही चेक करने नहीं, दो मुझे। चेक नहीं, 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 करने दो मुझे। ये एक सेकंड, ये आपने क्या किया दीवान जी? ये ड्रग चला गया, चक्कर आ रहा है मुझे। मैं तो हवा में से उड़ रहा हूँ कृष्ण जैसा। हाँ, मैं भी उड़ रही हूँ हवा में, एकदम घूम रही हूँ। पर मैं क्यों उड़ नहीं पा रहा हूँ? आपका वजन ज्यादा है इसलिए नहीं उड़ पा रहे है। लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा है। आपका सेंसेशन चला गया है, ज्यादा ड्रग्स खा लिया, अपने मुंह में नाक में चला गया। जाओ डॉक्टर के पास, नहीं तो तुरंत चल बसोगे। डॉक्टर के पास जाओ। हाँ जाओ। ये देखो बादल खराब कर दिए इसने। मुझे भी थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है कुछ। मैं साफ साफ करके आता हूँ। हाँ जल्दी जल्दी, नहीं तो चक्कर खा के गिर जाओगे। इसका मगज का बिल्कुल वेट नहीं। बिल्लू जी, अब फटाफट नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट आने से पहले अगर हसीना मैडम और करिश्मा मैडम ड्रग्स ले आए ना, तो जान छूटे ये सारे झंझट से। तब तक क्या ये दीवान के सामने हमें ऐसे ही उड़ने का नाटक करना पड़ेगा? क्या करें? ये क्या हो गया हमसे लल्ला के पप्पा? ये कैसे हो गया? आप तो पूरे पुलिस विभाग के लिए एक मिसाल थे, एक उदाहरण थे कि कैसे एक अच्छे पुलिस वाले को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, अपने दिमाग से कैसे मजबूत होना चाहिए। फिर कैसे हम आपके नाम पर इतने कमजोर पड़ गए? कैसे हमारे फर्ज पर आपका मोह इतना भारी पड़ गया? ऐसा कैसे हो गया लल्ला के पप्पा? ऐसा कैसे हम एक छोटे से बच्चे की बातों में आ गए? हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए लल्ला के पप्पा, हमें माफ कर दीजिए। हम इतने शर्मिंदा है कि हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पता नहीं हम इस शर्मिंदगी का बोझ हम कैसे उठा पाएंगे। हमें माफ कर दीजिए मैडम सर, वैसे तो हम बहुत होशियार हैं, हमें बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, मगर फिर भी पता नहीं कैसे। जानती है कैसे? क्योंकि आप लल्ला के पापा से सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और प्यार में तो ऐसे बेवकूफियां हो जाती है ना। पुष्पा जी, सच कहें तो ये सब हमारी गलती है। हम शुरुआत से जानते थे सच्चाई को, लेकिन हमने फिर भी आपको
भावनाओं में बहने दिया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, ये सब हमारी वजह से हुआ है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, कोशिश करते हैं। चलिए आज हम आपको गोलगप्पे खिलाएंगे। आई अभी के लिए तो दीवान जी को टाल दिया, लेकिन अब क्या करें बिल्लू जी, कब तक छुपाएंगे? अरे वो अरे बैठो बैठो, नारकोल ड्रिंक्स, नारकोटिक्स, नारकोटिक्स, नाटक नाटक नाटक। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने सुना है कि ड्रग की ओवरडोज से इंसान की मौत हो जाती है। सही सुना है, आपकी उम्र में तो कुछ भी हो सकता है, मेरी उम्र में भी कुछ भी हो सकता है। शमशान वालों को फोन करता हूँ, रेनी सीजन का ऑफर निकाला है उन्होंने, अर्थी लकड़ी डिस्काउंट में दे रहे हैं। हाँ अभी फोन करता हूँ टांडल को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे बहुत 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 डर लग रहा है। हाँ हाँ मुझे भी डर लग रहा है, मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं। मैं अभी अमर सर को कॉल करता हूँ, सब ठीक कर देंगे। क्या कर रहे हैं आप दीवान जी, आप अमर सर को क्यों कॉल लगा रहे हैं? आप अमर सर को फोन लगाएंगे, हाँ अमर सर को बोलेंगे कि मैंने ड्रग्स लिए हैं, फिर वो भी मांगेंगे ड्रग्स, फिर हम नार्कोटिक्स टीम को क्या देंगे? रेव पार्टी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, है ना? हाँ। मुझे इस ड्रग्स का बहुत ही घातक असर हो रहा है। मुझे भी हो रहा है, मुझे तो दृष्टि भ्रम भी हो रहा है, देखो साक्षात अमर सर दिख रहे हैं मुझे आते। फिर क्या इन्होंने टाइमिंग पकड़ा है, देखो साक्षात अमर सर दिख रहे हैं मुझे आते। क्या दीवान जी क्या चल रहा है? आप छलावा हो क्या? कल्पना हो। किसकी कल्पना? मेरी। अरे दीवान जी आपकी कल्पनाओं में मैं कब से आने लगा, कुछ भी बोल रहे हैं आप। मेरे शरीर में भारी मात्रा में ड्रग्स है। ड्रग्स कैसे चलेगी आपके अंदर, कुछ भी बोल रहे हो आप क्या? आप कल्पना हो। अरे दीवान जी आप छलावा हो। दीवान जी हम आपके सामने खड़े हैं, हो क्या गया आपको? सर जय हिंद सर, ये सर सर ये ड्रग्स का पैकेट फटा, हवा में उड़ा और हम तीनों के नाक और कान और मुंह के जरिए भारी मात्रा में ड्रग्स अंदर चले गए। अब हम नशीले पदार्थ के शिकार हो गए सर, हम हवा में उड़ रहे हैं, हम तीनों हवा में उड़ रहे हैं ना? नहीं नहीं। देखा सर कितने नशे में हैं हम, किसी को भी पता नहीं लग रहा हम कितने नशे में हैं। दीवान जी दिमाग खराब हो गया आप सबका, ये ड्रग्स नहीं है, कॉर्न फ्लावर है। अरे हाँ ये तो कॉर्न फ्लावर है। बट सर ये लोग ने मुझे कहा कि ड्रग्स है, और वो भी उस टेलर से बरामद हुए थे वो। अगर ये कॉर्न फ्लावर है तो सवाल ये है कि ड्रग्स कहाँ है? कहाँ हाँ? कहाँ भाग रहे हो ससुर जी, ऐसे पैदल पैदल जाओगे आप, अच्छा लगेगा क्या? अम्मा बाइक है इतना अच्छा, बाइक पे छोड़कर आते हैं ना आपको। नहीं 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 नहीं, कैसा लगेगा ना कि एक ससुर अपनी बहू के साथ बाइक पे बैठ के जा रहा है। नहीं मतलब आज तो हमने घूंघट भी नहीं किया आपके सामने, आज आप ऐसे हाथ भी नहीं रख रहे, क्या बात है? आज नहीं डांटिएगा, आज नहीं लताड़ेंगे हमको। हाँ भागते कहाँ हो बे, कहाँ भाग रहे हो? हाँ हम सब जानते हैं, जो तुम पुष्पा जी का निजी जीवन जानते हो ना, वो तुम्हें किसने बताया है? और कोई नहीं, तुम्हारे पूजनीय पिताश्री, है ना? अब क्या बुलाएं हम तुम्हारे पिताश्री को, सोम सिंह या फिर मंगल सिंह, बताओ बताओ ना। देखो ऐसा है कि अभी अपने पिताश्री का पता बता दो, नहीं तो हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ना, तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। मैं नहीं बताऊंगा, आपको जो मेरे साथ करना है कर लो, मैं मेरे पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकती, मैं नाबालिग हूँ, माइनर हूँ, मुझे हाथ लगाया तो आप खुद ही मुसीबत में पड़ जाएंगी। क्या बोले? हम मुसीबत में फंस जाएंगे, हम फंसेंगे। हाँ तो ले चलो मुझे थाने, I don't care, मैं तो सबको यही बोलूंगा कि ये सब कुछ पुष्पांडे का कारा धरा है।
उन्होंने ही मेरे बैग में ड्रग्स का पैकेट रखा है। मैं तो जानता भी नहीं था कि पैकेट में क्या था। आप तो ये कभी भी प्रूव नहीं कर पाओगे कि मैंने ये ड्रग्स का पैकेट उधर से लिया है, लेकिन मैं ये प्रूव कर सकता हूँ ये पुष्पा आंटी ने किया है। दुनिया किसकी बात पर विश्वास करेगी, मेरी या उनकी? कहाँ है ड्रग्स बता दो, नहीं तो चोरी का इल्जाम लगेगा। जेल में पूरी उम्र स्टैंड अप कॉमेडी करते रहोगे दोनों। ओह वाओ, शी इज अ स्टैंड अप कॉमेडी लाइक। दो दिन जेल में गुजारेंगी ना तो सारी मस्ती निकल जाएगी। सर फटाफट डालो, देर मत लगाओ। बिलू जी आप प्लीज चुप रहेंगे? सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं एक पुलिस वाली हूँ और ये होते होते रह गए सर, बट आई एम बिलू द स्पाई। सर ये चोरी जैसा घटिया काम हम नहीं करेंगे, हमें नहीं पता किसने चुराए ड्रग्स। वो बच्चा कहाँ है? मोंटू वो कहाँ है? उसी ने ड्रग्स चुराई है ना, वो यहाँ पे आया इसलिए था। पुनर्जन्म का नाटक किया, तुम लोगों को बेवकूफ बनाया उसने और ड्रग्स लेके फरार हो गया, राइट? सर हमें सच में नहीं पता है। उस बच्चे की कोई गलती नहीं है सर। जी हम सही कह रहे हैं सर, ड्रग्स हम ही ने चुराए हैं। माँ पुष्पा जी हमारे पास लॉकर की चाबी थी और अभी भी है, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। क्या हुआ बहू रानी, किस सोच में पड़ गई? चिंता हो रही है सासू मैया की, फंस गई सासू मैया। तो आपके पास बस एक ही रास्ता है कि मुझे इस ड्रग्स के साथ जाने दीजिए, क्योंकि अगर मैं थाने गया तो पुष्पा आंटी को जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता। तो क्या डिसाइड किया है, मुझे थाने ले जाएंगी या मुझे छोड़ देंगी? तो आपके पास बस एक ही रास्ता है क्योंकि अगर मैं थाने गया तो पुष्पा आंटी को जेल में जाने से कोई नहीं बचा सकता। सही डिसीजन। सॉरी दीदी, जैसे आप अपनी सासू मैया को बचाने के लिए कर रहे हो, मैं वैसे ही मैं अपने पापा को बचाने के लिए कर रहा हूँ। पुष्पा आंटी को मेरा फाइनल गुड बाय कहना। बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगा तुम्हारे अंदर जो ये जज्बा है तुम्हारे पिताश्री के लिए, बहुत अच्छी बात है। पता है हर पिता को तुम्हारे जैसा श्रवण पुत्र मिलना चाहिए, कह सकते हैं हमने, पर क्या है ना कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हर श्रवण पुत्र को तुम्हारे पिता जैसा पिता मिलना चाहिए? नहीं, इस बात का भी हम पता लगा सकते हैं और उसके लिए देखते हैं कि जो तुम अपने पिताश्री के लिए कर रहे हो तुम्हारे पिताश्री तुमको बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक मिनट। हाँ बोलो बोलो मोंटू बेटा, तू ठीक है ना? हाँ मोंटू एकदम ठीक, एकदम चौकस, एकदम बढ़िया है, घबराइए मत। हम करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। ऐसा है करिश्मा सिंह, पहचान तो लिया ही होगा आपने। तो ऐसा है कि समय का ना थोड़ा शॉर्टेज है हमारे पास, तो तुम्हारा भी समय बचाते हैं और हमारा भी समय बचाते हैं और सीधा केंद्र बिंदु पे आते हैं, मतलब सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो बात यह है कि हमें बहुत अच्छे से पता है भैया कि तुम ही हो जिसने ये सारा प्रपंच रचा है। तुम ही नहीं अपने मोंटू को हमारे थाना में ड्रग्स का चोरी करने के लिए भेजा था, और ये पूरा पुनर्जन्म का जो तुमने नाटक किया ना ये तुमने ही करवाया अपने बेटे से। तो अब बात ये है कि भैया ये तो है बच्चा, माइनर है, इससे इसको हम छोड़ सकते हैं ये सोच के कि गलती हो गया, छोटा बच्चा है, आगे इसका पूरा भविष्य पड़ा है। लेकिन उसके लिए ना तुम्हें थोड़ा कुर्बानी देना होगा। इसको हम छोड़ देंगे अगर तुम अपने आप को सरेंडर कर दोगे। ये करिश्मा सिंह का वादा है तुमसे, तुरंत हम तुम्हारे बच्चे को छोड़ देंगे, और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। तो क्या सोचा, मंजूर है हमारा शर्त? देखो देखो तुम्हें जो करना है करो उसके साथ। मैं क्यों अपनी बाकी की जिंदगी जेल के काल कोठरी में गुजारूं? मैं किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करूंगा। डाल दो मुंटू को जेल में, पकड़ा हो गया है, मैं नहीं। और सुनो उसके किए की सजा मैं क्यों भुगतूं? अरे भाड़ में जाओ तुम सबके सब, मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं है, समझे? देखो बेटा ऐसा है ना कि गलती तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा जो बाप है ना वो बाप होने से पहले एक मुजरिम है, और जो मुजरिम होता है ना वो सबसे पहले अपने आप के बारे में ही सोचता है, फिर चाहे उसका बेटा दाव पे क्यों ना लगाओ। तुम्हारा पूरा जिंदगी चूरन कर देगा पर अपनी जिंदगी पे कुछ आंच भी नहीं आने देगा वो, समझ रहे हो? और तुम्हें अब भी लगता है ना कि तुम्हारे इस निष्ठा और बलिदान के लायक है तुम्हारे ये पिताश्री, तो जाओ, तुम फ्री हो, तुम जाओ उनका मदद करो, जाके जाओ। देखिए पुष्पा जी ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानती हैं, आपने ये सब नहीं किया है,
लेकिन फिर भी आप इसका सारा इल्जाम अपने सर क्यों ले रही हैं? मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों कर रही हैं आप? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, केस नंबर 950, ड्रग्स कस्टडी के लिए आए हैं। देखिए ऑफिसर, हम आपके हवाले ड्रग्स नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ड्रग्स चोरी हो चुकी है। यहाँ से पुलिस स्टेशन से? जी। कैसे, किसने चुराई? हमने ड्रग्स चुराए। ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? नहीं नहीं मैडम सर, झूठ कह रही हैं। ड्रग्स उन्होंने नहीं, हमने चुराए हैं। ये हमारा इल्जाम अपने सर ले रही है, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ ये सच है कि ड्रग्स इन्होंने चुराए हैं, लेकिन इन्होंने ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारे कहने पर किया है। ये जानती भी नहीं थी कि ये जो ये काम कर रही हैं वो इलीगल है, इन्होंने सिर्फ अपने सीनियर की बात मानी है। मैडम सर क्यों क्यों कर रही हैं आप ऐसा? आप जानती हैं ये सच नहीं है। क्योंकि हम एक टीम है पुष्पा जी, और टीम का सब कुछ साथ में साझा होता है, स्याह भी सफेद भी। इसलिए इस पूरे मामले के इकलौते जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। चलिए। नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है मैडम सर। जब तक ड्रग्स हमारे पास में है जिसका कस्टडी के लिए आप यहाँ आए हैं, चेक कर लीजिए। अगर सब सही होगा तो मैडम का साइन ले लीजिए और हम बताना चाहेंगे असली ड्रग्स चोर। एक मिनट, खबरदार, जो अपने बच्चे का नाम लिया तो हमारा मरा मुंह देखेगी। अगर आपने बच्चे का जिक्र भी किया तो, और ये कसम आपको कांस्टेबल पुष्पा सिंह नहीं दे रही है, आपकी सांस दे रही है। आप हरम चीज ही क्या है पुष्पा जी, सत्य का दीपक ना बड़े बड़े सैलाब नहीं रोक पाए हैं, इसलिए गुनेगार जो है वो सामने आके रहेगा, कुसूरवार को सजा मिलके ही रहेगी। असली ड्रग स्टोर ये बच्चा है जो हमारे पीछे खड़ा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके बैग्स के अंदर ड्रग्स हैं। वो ये बात बिल्कुल नहीं जानता था कि जो उससे काम करवाया जा रहा है वो गैर कानूनी है। असली गुनेगार जो है वो उसके पिताश्री है, सोम सिंह उर्फ मंगल सिंह। इन्होंने ही ये सारा प्रपंच रचा, इन्होंने ही ये सारा कांड किया है। असली गुनेगार आप सबके सामने खड़े हैं, ये रहे। अगर ऐसा है तो फिर चोरी का इल्जाम आप अपने ऊपर क्यों ले रही थी? क्योंकि उस वक्त वही हमें सही लगा सर। ये बच्चा है, गुमराह हो गया। अगर इसके पिता की जुर्म की सजा इस बच्चे को मिलेगी तो पिता का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और फिलहाल इसे सजा की नहीं, सही रास्ता दिखाए जाने की जरूरत है, ताकि इसकी जिंदगी भी दूसरे बच्चों की तरह खूबसूरत बन सके। इसलिए हमने ये सब किया। ये ड्रग्स। थैंक यू। मुझे माफ कर दीजिए आंटी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। जो पापा ने मुझे रास्ता दिखाया वो गलत था, वो मुझे अपनी तरह बनाना चाहते थे, पर आपने मुझे बचाया। माँ को तो देखा नहीं, बहुत छोटा था जब छोड़कर चली गई, पर जरूर आप जैसी ही रही होंगी। एक माँ की तरह ही तो प्रोटेक्ट किया आपने मुझे। थैंक यू। कोई थैंक यू बैंक को नहीं चलेगा, बस वादा करो हमसे कि आइंदा किसी की भी बातों में आकर ऐसा किसी के साथ भी वाहियात मजाक नहीं करोगे। अच्छे से पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनोगे, और दोबारा अगर किसी के साथ भी ऐसा पुनर्जन्म वाला मजाक किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रहे? नहीं करूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूंगा, प्रॉमिस। थैंक यू मुझे इस मुसीबत से बचाने के लिए और सही रास्ता दिखाने के लिए। आप सबके लिए ये तो बनता है। चलता हूँ। दीवान जी ले जाइए इसे। जी सर, चलिए। पुष्पा जी, हम मोंटू का बोर्डिंग स्कूल में इंतजाम करवा देंगे, इसलिए वो जहां भी रहेगा सेफ रहेगा, और आप जब चाहें उससे मिलने जा सकती हैं।
आज तो वाकई कमाल कर दिया आप सबने, तो आज का स्कोर मैं खुद ही लिख देता हूँ। सर स्कोर लिखने से कुछ नहीं होगा। मतलब? शर्त सर, शर्त ये थी कि अगर आप हारे तो आप मैडम सर को एक हफ्ते तक सल्यूट करेंगे, और अगर मैडम सर हारी तो मैडम सर आपको एक हफ्ते तक सल्यूट करेंगी। तो अब तो जाहिर सी बात है कि आपको एक हफ्ते तक मैडम सर को सल्यूट करना पड़ेगा। याद आया ना सर शर्त? ऑफ कोर्स याद आया, बट ना अभी मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आ रहा है, बंटी को लेने स्कूल जा रहा है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। आप भी कहाँ भागी जा रही हैं, हम भी कहाँ भागी जा रहे हैं, आपकी शर्त बाद में पूरी कर देंगे हम। और एक और चीज, यू गाइस हैव डन अ वंडरफुल जॉब टुडे, सो यू नो मैं लेट हो रहा हूँ। चलिए 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 चलिए। पहले मैं बहुत अकेला था, जिंदगी झमेला था, हैब्रिड फ्रूट केला था, किसी को पता नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत अकेला था। तन्हाई तन्हाई, मैं अकेला हूँ, अकेला ही ये बिल्ला, उसके दिल में कब ठुकेगा किसी के प्यार का किल्ला। बिल्ला क्या कर रहा है इधर तू? अबे झापड़ी के, उधारी दे नहीं सकता तो यहाँ आके चाय पी रहा तू? अबे ये बता दुकान पे तू आता नहीं, खाना कैसे खा रहा है? यही तुम्हारी दोस्ती, अरे तुम जैसे दोस्त की वजह से ये बिल्ला जिंदगी में अकेला है। अबे बिल्ले सिंपल है, उधारी चुकता कर दे, तनाई दूर हो जाएगी। मैं पैसों से भी तनहा हूँ। एक मिनट भाई, भाई पैसों से देता नहीं, तुम जाओ जाओ जाओ। चल 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 निकल चल निकल। आज के बाद इसको कोई चाय पानी कोई बिरयानी कोई हाँ, कुछ मत देना, समझा? तू अच्छा लगता है, अब आएगा दुकान। हाँ, पानी उठा दे तेरा मैंने। ए ऐड अफवाह है, रूमर है। ए भाई चाय दे। ए बदनाम, ये ऐड देखते हैं। फिर मुझे मिला मेरी जिंदगी का वो फरिश्ता जिसे ऊपर वाले ने हम जैसे अकेले और तन्हा लोगों के लिए भेजा था, टका झाकी ऐप। इस ऐप ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। एक खूबसूरत और हसीन दोस्त मेरी जिंदगी में आई और मेरी जिंदगी में खुशियों की बौछार कर दी। तो मेरी मानिए, आप भी टका झाकी ऐप पर आइए और कुछ देर टका झाकी कीजिए, क्या पता आपको भी वो खूबसूरत और हसीन दोस्त मिल जाए जिसका इंतजार आपको बरसों से रहा हो। तो आज ही डाउनलोड कीजिए टका झाकी ऐप और किसी का प्यार भर लीजिए अपनी बाहों में। ए हाँ, टका झाकी अभी करते हैं डाउनलोड। हो गया, नाम डाला, एड्रेस डाल, एड्रेस अपना बिल्लू निवास। ओके बन गया प्रोफाइल। रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट आई। ओ ए संतोष जी फोन। हेलो संतोष जी, आई एम बिल्लू द स्पाई, ओवर एंड आउट। अंदर आइए बिल्लू जी, नया केस आया, करिश्मा मैडम बुला रही है। हेल्प, ओके बिल्लू द स्पाई, ओवर एंड आउट। जी बताइए, महिला थाना आपके लिए क्या कर सकती है? करिश्मा मैडम, बिल्लू द स्पाई रिपोर्टिंग। इसको मैंने कहीं देखा है, तू इसको अंदर ही घुस जाओगे क्या भाई? नहीं नहीं, मुझे लगा कि देखा, याद नहीं आ रहा है। सॉरी सॉरी बिल्ले, अभी हम काम कर रहे हैं, बाद में बात करते तुम। हाँ हाँ जी, आप अपना दिक्कत बता रहे थे। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। फिर तो सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे होनी चाहिए, मेरा नाम सिर्फ बिल्लू है। नाम दिक्कत नहीं है, दिक्कत मौत है। क्या 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 दिक्कत है? मौत जो आने वाली है। किसकी? मेरी। नहीं, दिखने में तो आप ठीक ठाक लग रहे हैं, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप अस्पताल में जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, यहाँ पुलिस थाने में हम क्या कर सकते हैं? नहीं मैडम, वो वाली मौत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। वो सुपारी, सुपारी सुपारी खाने से? मैं आज के बाद पान खाना बंद, देखो सुपारी खाने से लोग मर रहे हैं। अरे पान वाली सुपारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो मारने वाली सुपारी, वो कॉन्ट्रैक्ट, किसी ने मेरा मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। ये बात रही, बैठिए पहले आराम से बैठिए, आपको बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी हम हैं, पुलिस हैं, आपकी मदद करने के लिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप बस हमें उस इंसान का नाम बताइए जिसने आपके नाम का सुपारी लिया है। ब्रजेश कुमार। हाँ, मरने वाले का नाम ब्रजेश कुमार, मारने वाले का नाम भी ब्रजेश कुमार? वो ना सुपारी मैंने ही दी अपने आप की, खुद को मारना चाहता हूँ मैं। पुष्पा जी ये लीजिए, मेंटल हॉस्पिटल फोन लगाइए और बोलिए इनको लेके जाए जल्द से जल्द। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं पागल नहीं हूँ मैं। पागल नहीं हो तो और क्या हो, कब से बकैती किए जा रहे हो? मैडम मेहरबानी करके मेरी बात सुन लीजिए,
प्लीज मैडम, मैडम एक एक मोबाइल से ना, लखनऊ के मोबाइल से मेरे माई मोबाइल पे मैसेज आया, उसमें लिखा हुआ था ना कि क्या आप प्यार में जीना और मरना चाहते हैं, तो मैडम मैंने भी तफरी करने के लिए हाँ कर दिया, उधर से तुरंत रिप्लाई आया ऑर्डर कन्फर्म, फिर उन्होंने लिखा जी तो आप पहले ही बहुत चुके हैं अब आपको मर जाना चाहिए, फिर मैंने ऐसी तफरी में ओके कर दिया, फिर उसी नंबर से मैसेज आया कि आपको अकाउंट में 50,000 रुपए डिपॉजिट करना है। और तुम कहते हो कि तुम पागल नहीं हो, हाँ तुमको कोई भी उटपटांग मैसेज करता है तुम उसका उटपटांग रिप्लाई करते हो, वो तुमसे पैसे मांगता है और तुम ए तुमने पैसे दिया क्या? हाँ दे दिए। काहे दिए तुमने पैसे भैया? हाँ मैडम जीने में क्या रखा है, ऐसी जिंदगी बेकार है, अकेला तनहा किस्मत का मारा, जिसकी किसी को जरूरत नहीं है वो मर जाए तो किसी की जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता है, यही सोच कर मैंने पैसे दे दिए कि सोचा कम से कम इस बेमुरव्वत जिंदगी से छुटकारा तो मिलेगी। नहीं अच्छा है, तुम्हारे जैसे इंसान को मर ही जाना चाहिए, जिसके अंदर जिंदगी जीने का जज्बा ना हो, हिम्मत ना हो, उसको तो मर ही जाना चाहिए ना। समझे कि नहीं हमारी बात को? मैं कहाँ समझोगे, तुम अगर समझते तो ऐसी मूर्खता करते क्या तुम? नहीं मैडम मैं सब समझ गया हूँ, तभी तो जीना चाहता हूँ, अब मेरी जिंदगी में ना कोई आ गई है, डेटिंग ऐप पे मुझे कोई मिल गई है, विद्या नाम है उसका, वो ना हमारी पुरानी दोस्त है, वो स्कूल फ्रेंड, वो बोली ना कि उस समय भी मुझे बहुत प्यार करती थी और आज भी करती है, शादी करना चाहती है और मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी इसलिए मैं जीना चाहता हूँ, मरने के विचार छोड़ दिया, उस सुपारी किले से बचा लीजिए मैडम, प्लीज मैडम बचा लीजिए। जरूर हम आपकी मदद जरूर करेंगे। करिश्मा सिंह हमने सब कुछ सुन लिया है, हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें इस इंसान की गलती कम नहीं है, इस तरह के इलीगल फर्जी एप्स के चक्कर में आकर न जाने कितने लोग हर रोज बेवकूफ बनते हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन अब आप यहाँ आए हैं, आपको मदद चाहिए तो हमारा फर्ज है हम आपकी मदद भी करेंगे और हम आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, डोंट वरी। संतोष शर्मा आपने पेमेंट कैसे की थी? अभी पे ऐप से। अभी पे ऐप से। जयन सर। जयन जयन सॉरी सर, वो एक्चुअली शायद आप भूल गए इसलिए याद दिला रही हूँ, वो शर्त आ रही है ना, एक हफ्ते तक आपको मैडम सर को सल्यूट करना है। जरूर करता, एक्चुअली मुझे दिल से खुशी होती है उन्हें सल्यूट करने में और मैं चाहता भी कि ये खुशी मेरे नसीब में हो, लेकिन सॉरी सर, वो एक्चुअली शायद आप भूल गए इसलिए याद दिला रही हूँ, वो शर्त आ रही है ना, एक हफ्ते तक आपको मैडम सर को सल्यूट करना है। जरूर करता, एक्चुअली मुझे दिल से खुशी होती है उन्हें सल्यूट करने में और मैं चाहता भी कि ये खुशी मेरे नसीब में हो, लेकिन सॉरी बैड लक, देखिए ना हाथ उठ रहा है ना मुड़ रहा है। कोई बात नहीं मिस्टर अमर विद्रोही, इज्जत वैसे भी दिल से निकलनी चाहिए और आपके दिल में हमारे लिए कितनी इज्जत है ये सब जानते हैं। उसमें तो कोई शक नहीं है। अरे शक तो मुझे भी नहीं मेरी जान जाने पे, अगर आप टाइम रहते आप लोगों ने कुछ नहीं किया ना तो मेरी जान पक्की चली जाएगी, आप लोग कुछ कीजिए प्लीज कुछ कीजिए। देखिए देखिए हम आपकी सारी बातें अच्छे से समझ रहे हैं, आप प्लीज इत्मीनान से घर जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। इसको किधर देखा है मैंने, बहुत अच्छे मतलब सल्यूट ना करना पड़े इसलिए नकली तोता पाल लिया, कोई बात नहीं हम भी देखते हैं कैसे सल्यूट नहीं करते मैडम सर को। हेलो मेरे बाबू ने लंच में क्या खाया? हवा। मतलब लंच का टाइम ही नहीं मिला, सारा वक्त आपसे बात करने में ही बिजी था। बेबी शाम को चलते हैं पिक्चर को, हम आपके दिल में रहकर तुमसे प्यार करके तुम पे मरते हैं। नॉटी बेबी पिक्चर का नाम है बेबी, एकदम थिएटर खाली रहेगा, खाली थिएटर में बस तुम मैं और पॉपकॉर्न। सो नॉटी सुनो अभी और बात करनी है क्या? हाँ हाँ पूरी लाइफ बात करनी है, लाइफ टाइम बात करनी है। अभी के लिए बाबू 200 का रिचार्ज करा दो ना प्लीज, पूरी लाइफ टाइम का प्लान बाद में करेंगे। अभी रिचार्ज करवाता हूँ जी मैडम सर। हाँ करिश्मा सिंह जरा संतोष शर्मा से पूछिए कि उन्होंने कॉल डिटेल्स निकाले क्या, उस नंबर के जहाँ से ब्रजेश को जान से मारने वाले मैसेजेस आते थे। फिर से वही टाइम वेस्ट। कुछ कहा आपने? जी वो अब इतनी छोटी सी चीटी को पकड़ने के लिए तोप कौन निकालता है मिस मलिक,
मेरे कहने का मतलब है संतोष शर्मा से कहिए कि जिस नंबर से भी फोन आया था उस इंसान का एड्रेस निकाल के दे, उसे उठाकर थाने में लाते हैं, उसकी बॉडी का एक एक स्क्रू टाइट करते हैं, खुद बोल देगा जो भी उसने किया होगा। और इतने से टाइम के लिए सरकार का इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है? मिस्टर अमर विद्रोही, कभी कभी ना आप हमें करिश्मा सिंह के अपडेटेड मेल वर्जन लगते हैं। अभी तो ये बहुत शांत हो गई है, लेकिन एक वक्त था जब ये बिल्कुल आप ही की तरह हुआ करती थी। शार्प लेकिन जल्दबाज, होशियार लेकिन इम्पेशेंट, सारे रिजल्ट्स इंस्टेंटली चाहिए, जहाँ जाना है बस अपना भौकाल मचाना है, प्रॉब्लम को जड़ से समझने की बजाय, सॉल्व करने की बजाय फरियादी के लिए पेन किलर बनने में ज्यादा दिलचस्पी होती थी। हमें तो नहीं लगता। आप अभी नए नए आए हैं ना, ठीक से इनका ट्रैक रिकॉर्ड जानते नहीं। शहर तो इनफैक्ट मायूस है कि बहुत दिनों से करिश्मा सिंह का भौकाल नहीं देखा। आपको लगता है कि भौकाल सिर्फ मर्द कर सकते हैं? कभी फुर्सत मिले ना तो जाइए शहर में, ठीक से सर्वे कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि करिश्मा सिंह कौन है और असली भौकाल किसे कहते हैं। आपको लगता है कि भौकाल सिर्फ मर्द कर सकते हैं? कभी फुर्सत मिले ना तो जाइए शहर में, ठीक से सर्वे कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि करिश्मा सिंह कौन है और असली भौकाल किसे कहते हैं। मैडम सर, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ब्रिजेश को जिस नंबर से मैसेजेस आए थे वो ट्रेस नहीं हो रहा, और अब शायद होगा भी नहीं। काहे? क्योंकि सर्वर रीरूटेड है, किसी भी कंट्री का नेटवर्क जो है वो डाइवर्ट किया जा सकता है, और ऐसे कॉल्स को ट्रेस करना पॉसिबल ही नहीं है मैडम सर। प्लस ये जो साइबर क्राइम वाले हैं ना, इनका ये पैटर्न बन गया है, इसलिए वो इजीली हाथ भी नहीं आते। ऑल्सो उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दे के नंबर लिए थे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी हैं। तो मिस्टर अमर विद्रोही, अब ये रास्ता तो बंद हो चुका है, और चोट सिर्फ आपके हाथ पे लगी है ना, मतलब दिमाग तो काम कर रहा है, तो जरा सोच कर बताइए फटाफट कि 10 मिनट में इस केस को कैसे निपटाएंगे। सर संतू बिल्कुल सही कह रही है, ये नेक्सस नंबर से ही धोखाधड़ी का इतना बड़ा तंत्र जाल चल रहा है, तभी उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं तो आप देखिए ना सर, इतना बड़ा, इतना व्यापक, इतना समर्थ साइबर विभाग भी मतलब इन गैर कानूनी गतिविधियों तक पहुंच नहीं पा रहा है, उन पे अंकुश नहीं लगा पा रहा है। संतोष शर्मा फिर भी कोशिश करती रही है, हो सकता है कि उनसे कोई लापरवाही हो जाए जो हमारे काम आ जाए। किसी भी तरीके से इस ऐप की रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचना बहुत जरूरी है, एक बार उस तक हम पहुंच गए मतलब ये केस सॉल्व हो गया। सो प्लीज कीप ट्राइंग। जी मैडम सर।